Hello everyone, welcome to Achievers Camp. Let's see vocabulary words of 16 December. So words जो हम लोग आज discuss करने वाले हैं, they are demarcation, garner and disdainful. मतलब पता है किसी चीज का? चलो, demarcation पहला word है जो noun है, definitely हम लोग geography में पढ़ते हैं ना, line of demarcation, that is line of division. So basically demarcation का मतलब होता है the action of fixing the boundary or limits of something. किसी चीज को divide करके जो उसकी boundaries है, उसके limit है, उसको fix कर देना, that is what is demarcation. Sentence देखते हैं, there was no clear demarcation between work and play. Work और play दोनों के बीच में कोई clear boundary या limit set नहीं करी गई है. Correct? देखो अभी picture में भी देख सकते हो, line of demarcation draw किया हुआ है. So that is what is demarcation. I hope the word is clear to everyone. Now we'll see the next word for today. Next word is garner. Garner is a verb which means gather or collect something, especially information or approval. कोई चीज को आप collect कर रहे हो, accumulate कर रहे हो, तो आप garner उसको कहते हो. Gardener से garner याद कर सकते हो. Gardener जो होता है वो हर चीज मतलब जैसे अगर मान लो flowers हैं तो उसको collect कर रहा है, घास है तो उसको कलेक्ट कर रहा है. सो उससे थोड़ा रिलेट करके लर्न कर सकते हो, जस्ट टू एक्युमुलेट. सेंटेंस देखते हैं, माय सन इज ट्राइंग टू गार्नर ऑल द बेसबॉल कार्ड्स ऑफ हिज फेवरेट प्लेयर. अपने फेवरेट प्लेयर के सारे बेसबॉल कार्ड्स को वो एक्युमुलेट करने की कोशिश कर रहा है. कौन? सन, जिसकी भी बात हो रही है. सो आई होप द वर्ड इज क्लियर टू एवरीवन. किसी वर्ड में कोई डाउट हो तो पूछना बेझिझक. And the last word for today is disdainful. Disdainful adjective है जिसका मतलब होता है showing contempt or lack of respect. आप सामने वाले बंदे को अच्छे से नहीं treat कर रहे हो, respect नहीं दे रहे हो, तो आप उसको disdainful कहते हैं. Disdain से ये word बना हुआ है, disdainful. Okay, and it is to show contempt or lack of respect to someone. Sentence देखते हैं, he looked at the leader with a disdainful smile. उसने leader को देखा लेकिन ये बोलते हैं ना, जहाँ पे दिख रहा हो कि आप रिस्पेक्टफुली नहीं स्माइल कर रहे हो, एक शातिर स्माइल होती है. सो दैट इज व्हाट इज डिसडेनफुल स्माइल. सो आई होप द वर्ड्स वी हैव डिस्कस्ड आर क्लियर टू एवरीवन. किसी को किसी भी वर्ड में डाउट हो तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछिएगा. नाउ वी विल सी द क्वेश्चन फॉर द डे. सो द क्वेश्चन इज सिनोनिम ऑफ गार्डनर. ओके, एंड द ऑप्शंस आर, हालांकि ये क्वेश्चन तो काफी इजी हो गया, 50 बार मैं बोल चुकी हूँ. ऑप्शंस आर एक्युमुलेट, डिसइंटीग्रेट, स्कॉर्नफुल एंड डेरिसिव. जल्दी जल्दी से अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए. एंड फॉर मोर सच वीडियोस लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर.